أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لن قتل الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين। एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने पेट की बीमारियों के बारे में नुस्खा जाना चाहा तो रसूल खुदा से कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे कोई ऐसा नुस्खा इनायत फरमाया कि जिसके इस्तेमाल से मैं पेट की तमाम बीमारियों से मैं निजात पा लूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमान सुन, सुबह में सबसे पहली चीज़ सेब खाओ, क्योंकि ये पेट की तमाम बीमारियों को ख़त्म करता है, ये मैदे को साफ करता है। रसूलल्लाह की यह हदीस में मुकर्रम अखलाक वॉल्यूम 1 पेज 375 से पेश कर रहा हूँ। इसी ज़मन में एक और शख्स इमाम मूसा काज़िम के पास आया, वो भी इमाम से कहने लगा कि मौला मेरे पेट में बहुत सी बीमारी है, बराए करम मुझे कोई ऐसा नुस्खा आप इनायत फरमाइए कि जिसके इस्तेमाल करने से मैं तमाम बीमारियों को ख़त्म कर सकूँ। तो इमाम ने फरमाया कि सेब खाया करो और ये निहार मूंग खाया करो, उसका छिलका उतार के सेब खाया करो। और मौलाना ने फरमाया कि सुबह निहार मूंग में सेब खाने से, उसका छिलका उतार के खाने से तीन ऐसी बड़ी बीमारी हैं जिनका सबसे बड़ा इलाज ये सेब है। नंबर एक, जहर का असर ख़त्म होता है, जादू मैजिक इसका असर ख़त्म होता है, जिन की वजह से जुनून मेडिसन यानी कि जिन लोगों को जिन्नैत का असरात होते हैं वो भी निहार मुँह अगर वो उनको सेब छिलका उतार के खिला जाए तो मौला फरमाते हैं कि उसको वो भी शिफा याब होगा। तीसरी और अहम बीमारी बलगम की जाती जिसे टीबी कहा जाता है साइंसी जबान में, मौला फरमाते हैं कि निहार मुँह सेब खाने से ये भी ख़त्म होती है। इमाम मूसा काज़िम की यह हदीस में अलकाफ़ी वॉल्यूम 6 पेज 375 से पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद।